Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of Negotiable Instrument Act 1881. And in this video, we will discuss precaution in writing the bill of exchange. कि एक drawer को एक creditor को bill of exchange लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. So, let's get started without wasting any time. So this is the specimen of bill of exchange कि आपका bill of exchange कैसा दिखाई देता है. So यहाँ पर आपकी amount लिखी हुई है, then ये है आपका जो address जहाँ पर bill of exchange लिखा गया है. तो एक bill of exchange को write करते समय, make करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस video के अंदर discuss किया जाएगा. Then precaution in writing the bill of exchange की place कि जिस जगह पर bill of exchange लिखा गया है, write किया गया है, उसको mention करना चाहिए. Then इस specimen के according आपका bill of exchange कहाँ write किया गया है, New Delhi के अंदर. Then next is date of amount, date कि आपका bill of exchange किस date के ऊपर लिखा गया, ये आपका right side के अंदर क्या किया जाएगा, mention किया जाएगा कि आपका bill of exchange कहाँ मेंशन करना चाहिए. द नेक्स्ट इज अमाउंट कि अमाउंट कितनी अमाउंट के लिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा गया. सो ये आपका दो टाइप से लिखा जाता है, फर्स्ट इन वर्ड्स एंड सेकंड इन नंबर्स. तो इन नंबर्स आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर कॉर्नर में अमाउंट को लिखा जाएगा एंड आपका एक बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा कि आपको स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर कितने रुपए देने हैं. यहाँ तो ये आपका लाइव नहीं, 5,000 रुपीज लिखा जाएगा कि आपको कितने टाइम पीरियड के बाद, 2 महीने के बाद ऑर्डर किया गया है 5,000 रुपये देने का. तो नेक्स्ट उसके बाद है स्टैंप कि आपके बिल ऑफ एक्सचेंज पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, जो भी उसकी एप्रोप्रिएट स्टैंप है प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर लगाई जानी चाहिए. देन पीरियड कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपका बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है. देन आपकी स्टैंप कहाँ लगाई जाएगी यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में. एंड पीरियड क्या है आपका, 2 महीने कि आपको इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी गई जो भी अमाउंट है उसकी पेमेंट कितने टाइम पीरियड के बाद करनी है, 2 महीने के बाद करनी है. इस टाइम पीरियड के अंदर आपके 3 दिन ग्रेस के ऐड किए जाते हैं कि आपकी कोई वर्किंग डे की छुट्टी हो जाए या फिर किसी और इमरजेंसी के कारण जो आपका पेयर है वो पेमेंट ना कर पाए तो आपको क्या दिया जाता है, 3 दिन की कंसेशन दी जाती है और इन 3 दिन को कहेंगे डे ऑफ ग्रेस. तो आपकी 2 महीने की टाइम पीरियड के अंदर इन 3 दिन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. द नेक्स्ट इज फोर वैल्यू रिसीव्ड. देन फोर वैल्यू रिसीव्ड का क्या मतलब है, फोर वैल्यू रिसीव्ड का मतलब है कि जिस कंसिडरेशन के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है आपके डेटर को वो कंसिडरेशन मिल गया है. फॉर एग्जांपल ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, क्रेडिटर ने सेलर ने बायर को क्या दिया है, 5 टेबल्स सेल किए हैं. तो ये क्या है, कंसीडरेशन है कि आपको 5,000 रुपये किसके लिए पे करने हैं, उस 5 टेबल्स के लिए पे करने हैं और ये 5 टेबल बायर पहले ही गेट कर चुका है. तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, वैल्यू रिसीव्ड कि आपको ये अमाउंट पे करनी है, इसका जो कंसीडरेशन है वो बायर ने पहले ही गेट कर लिया है. देन इसके बाद सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर कि जिस पर्सन ने, यानी कि आपके जो क्रेडिटर है यानी कि जो सेलर है जिसने चीज़ों को सेल किया है वो क्या लिखता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. तो उस सेलर के आपके साइन यानी कि ड्रॉअर के आपके साइन यहाँ पर होने चाहिए कि ये किसने लिखा है. देन किसके ऊपर लिखा है वो एक्सेप्ट करेगा, किसके ऊपर लिखा गया है, श्री मदन लाल 4280 कमला नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की, इनका पूरा एड्रेस लिखकर जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है यानी कि श्री मदन लाल, उसको ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. देन आपका जो डेटर है वो क्या करेगा, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं इस बात के लिए अग्री हूँ कि मैं आपको 2 महीने के बाद स्पेसिफाइड
जो आपकी अमाउंट है वो पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये है आपकी प्रिकॉशन इन राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखते समय जो आपका ड्रोअर है, जो आपका सेलर है, जो क्रेडिटर है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।